Now, if you are preparing for CAT, you do start imagining that I have to sit on that golden chair. ये आपको अगर रोज का रिदम बन सकता है ना, तू जैसा भी इंसान है, तू पक्का IIM क्रैक करेगा, पक्का FMS क्रैक करेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ. प्लस अप्रोक्सीमेटली एक साल के ऊपर पढ़ा हुआ है. वन ईयर कैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है ध्यान सुन लेना. दिस इज गॉन बी रियली हेल्पफुल टू यू. ठीक है, पूरा मैं डिटेल में समझाता हूँ और डेली स्केड्यूल बता दूंगा, डेली रिदम बता दूंगा. चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, चैप्टर्स वही हैं हमारा. टेंथ का सिलेबस है ना, एट्थ नाइन्थ और टेंथ का सिलेबस है, वो हमें करना ही करना है. टेंथ तक का मैथ्स इसके अंदर आता है, वो आपको बताइए. दूसरा टॉपिक ये हो गया मैथ्स. दूसरा टॉपिक आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग. ये तीन टॉपिक हैं, DILR, फर्स्ट टॉपिक इज क्वांट एंड थर्ड टॉपिक इज योर वर्बल एबिलिटी. ठीक है, मैथ्स का टॉपिक करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा बिकॉज मैथ्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है. बीइंग ऑनेस्ट, इफ यू आस्क मी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अर्थमेटिक, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री. जो लोग अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक काम करना है, टेंथ का मैथ्स बिल्कुल बिल्कुल सब करवाएंगे. तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कि भाई ये वाला पोर्शन किल करना है. मार्कअप योर माइंड कि वेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट, उसको तीन तीन महीने के ब्रैकेट के अंदर डाल दो. फर्स्ट थ्री मंथ्स के अंदर ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग एटलीस्ट LOD लेवल वन. मतलब जो भी अरिथमेटिक, फॉर एग्जांपल टाइम फ्री डिस्टेंस का इजी कोई क्वेश्चन आ रहा है, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट, है ना भाई. और टाइम एंड वर्क का कोई इजी क्वेश्चन आ रहा है, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. ज्योमेट्री का फॉर्मूले पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, 1/πr² h क्या होता है. पाई को फास्टर कैलकुलेशन के लिए 3 भी यूज कर सकते हैं, 3.142 होता है. वो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, आगे वर्बल एबिलिटी के अंदर सिर्फ रीडिंग करिए, सिर्फ रीडिंग करिए, जितना आप रीडिंग कर सकते हो. मैं आपको रूल्स बताऊंगा, मेरे पैराजिम्बल्स के रूल्स गॉड लेवल रूल्स हैं. जिन लोगों ने ऑलरेडी कोई क्लास अटेंड करी होगी तो उनको पता है, एकदम गॉड लेवल के रूल्स होते हैं. वो रूल्स को फॉलो करना है, बट आप एक और चीज़ निश्चिंत होकर करना शुरू करिए, निश्चिंत नहीं, सीरियस होकर करना शुरू करिए. दैट इज नथिंग बट एओन एसेज. ओके, फर्स्ट थ्री मंथ्स के अंदर कोशिश करो दिन का एक एओन एसे पक्का पढ़ लो. ये नॉवेल्स पढ़ने से भी अच्छा है, ये न्यूज़पेपर पढ़ने से भी अच्छा है, ये कोई भी काम करने से अच्छा है. ठीक है, डन, दिस शुड स्टे ग्लूड, यू विल बी सॉर्टेड. ओके, आगे पहला काम फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वो तुम्हारा एओन एसे सेट हो जाएगा. क्यों आरसी बोल रहा हूँ, 16 सवाल आने वाले हैं, 16 क्वेश्चंस. डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग मुश्किल है, इसके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं. तो ये ऐसी चीज़ है, अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हो, इसका गॉड बन सकते हो. ठीक है, आगे अर्थमेटिक, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री. अर्थमेटिक के आते हैं 11 क्वेश्चन, एल्जेब्रा के आते हैं 5 क्वेश्चन और ज्योमेट्री के 2 या 3 क्वेश्चन. तो ये मेरी जान देख लीजिए, 11 + 5 + 2 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस इन कैट आर फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली. ये सिर्फ एक साल का नहीं है, पिछले 10-12 साल का कोई पेपर उठा लो, हर बार ऐसा हुआ है वेर अर्थमेटिक इज नियरली 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस. ये 11 में से 10-11 अराउंड 22 में से आते ही आते हैं. तो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है. ठीक है, अब मैं आपको 2 मिनट में और भी दो तीन चीज़ें बताऊंगा, वो भी सुन लीजिएगा, कहीं नोट्स ले लेना. ठीक है, विच पे स्पीक अबाउट दैट, स्वप्निल रुक जाओ अभी, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, उसी के आसपास कुछ क्वेश्चन पूछो. नेक्स्ट वन, हमें ध्यान रखना है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए. यहाँ पे चैट के अंदर प्लेज करो पहले तो, बाय दिस नवंबर एंड, पूरा अक्टूबर ले लो, नवंबर ले लो, बाय दिसंबर एंड, 3 मंथ्स के अंदर एवरीवन लिसनिंग टू मी, कैट किंग फैमिली का बच्चा शुड बी एबल टू सॉल्व इजियर क्वेश्चन इन कैट. हाँ भाई, प्लेज लिखो चैट के अंदर, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इजियर क्वेश्चन इन कैट. यू शुड नॉट बी टेलिंग मी मुझे मॉडर्न मैथ्स नहीं आता है. नो नो नो, आई एम नॉट गोना टेक दैट. यू हैव टू कम एंड टेल मी, सर मॉडर्न मैथ्स का इजी क्वेश्चन मैं सवाल सॉल्व कर पाता हूँ. क्यों बच्चों? Because 33% of CAT paper is always easy. When I'm saying easy, after 3 to 4 months of preparation, you'll start finding easy. यार ये तो basic था. तो एक scavenger approach होनी चाहिए कि यार जाके ढूंढना है, and तुम ढूंढते रहोगे, तुम्हारा मजा आएगा. ठीक है, Eddie, very good. All right, Brajesh, आगे चलते हैं. एक और काम करना इन द एंटायर जर्नी फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 मंथ के अंदर एक और काम करना है आप लोगों को, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दिखनी शुरू हो जाएगी. ठीक है भाई, स्ट्रेंथ और वीकनेस दिखनी शुरू हो जाएगी. वो स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिखना शुरू हो जाएगा, यार ये इंग्लिश एओन एसेस पढ़ पढ़ के मेरे को तो अंग्रेजी से प्यार हो गया यार, मेरे को अंग्रेजी से प्यार हो गया है. और वीकनेस आपको लगेगा, सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जितना मर्जी कर लूँ, नॉन इंजीनियर हूँ, मेरे को वीकनेस है नॉन इंजीनियर क्यों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट मैं इजी सवाल कर पाता हूँ. तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा दिसंबर तक कि मेरी 5 स्ट्रेंथ्स हैं और मेरी 5 वीकनेस है. आगे सीधा नहीं बोलना मेरे को क्वांट नहीं आता है, हाँ सीधा बेवकूफ़ी नहीं करना है, क्वांट नहीं आता है, विल स्पीक अबाउट दैट वेदांत. हाँ ये नहीं बोलना है, सर मुझे क्वांट के अंदर अर्थमेटिक तो आता ही आता है. फिर मैं आपको ये बता भी दिया, जब अर्थमेटिक तो अर्थमेटिक ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपको कैट क्रैक करना है और आपको अर्थमेटिक नहीं आता, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा. आगे चलते हैं, एक और लाइन ऑफ साइट रखना, 2 पॉइंट और हैं. पहली बात तो 15 से 30 फुल लेंथ मॉक्स देने आपको, वेदांत विल स्पीक अबाउट, रुको, हाँ भाई 15 से 30 आपको फुल लेंथ मॉक देने हैं. मैं आपके लिए 15 निकाल रहा हूँ, आप लोग 30 फुल लेंथ मॉक देने की प्लान करेंगे बिकॉज अपने पास बहुत टाइम है. मॉक को भी टच बेस करना ही नहीं है, यू विल नॉट टच द मॉक राइट नाउ.
मॉक को भी टच अपने को करना ही नहीं है. वो कब करना है मैं आपको बताऊंगा. दिस कम्स आफ्टर इमीडिएटली इन फैक्ट 6 months बिफोर टू कैट. हाँ, ये 6 महीने बिफोर टू कैट आएगा. तो मैं आपको पहले 3 months का स्केड्यूल बता रहा हूँ यहाँ पे, फिर अगले 3 months का बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा. ठीक है, आगे देखते हैं, विल स्पीक अबाउट दैट. आगे बिल्ड योर प्रोफाइल. हाँ भैया, किस किस का प्रोफाइल? ठीक है, प्रोफाइल क्या होता है वो भी समझ लेते हैं. नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, यू टू स्टार्ट इमेजिनिंग दैट आई हैव टू सिट ऑन दैट गोल्डन चेयर. सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. अगर आपको पता ही नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं कैट क्रैक कर पाऊंगा, होगा कि नहीं होगा, 1 साल पहले तो प्रिपरेशन करना छोड़ दीजिए, कोई फायदा ही नहीं है. ये आप इस गोल्डन चेयर, गोल्डन चेयर मतलब आप इंटरव्यू पैनलिस्ट के सामने बैठ के इंटरव्यू देंगे ही देंगे, देंगी जब पढ़ाई कर रहे हैं, देंगे नहीं. एंड ट्रस्ट मी, एनीवन हुज गोना स्टे ग्लूड, जिन लोगों ने कैट किंग फैमिली पे यूट्यूब पे सुन के भरोसा करके ज्वाइन किया है, यू गोना बी स्टेइंग ग्लूड टिल 1 ईयर. जो मैं बोलूंगा फॉलो करना, तुम्हारा रिजल्ट आना ही आना है, पक्की बात है. कोई माइक कलर उसको चेंज नहीं कर सकता. आगे देखते हैं. ठीक है, या मौसम विल स्पीक अबाउट दैट. आगे चलिए. हाँ भाई, तो ये हो गया प्रोफाइल. अब प्रोफाइल बनाने के 2-3 तरीके हैं. एक तो सर्टिफिकेशंस करिए. आप एक काम करेंगे, यू विल पिक अप सर्टिफिकेशंस. कोई भी आपका दिल करता है तो एक सर्टिफिकेशन उठा लीजिए. हर महीने में एक नई सर्टिफिकेशन करनी है, वो मतलब एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करिए बैठ के. ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी सर्टिफिकेशन ऑन, आजकल बड़ा सही टॉपिक चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग हर बंदा कर चुका है. गूगल सर्टिफिकेशन, गूगल एडवर्ड सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है. गूगल का सर्टिफिकेशन वो सबने करी हुई है, पर वो करके रख सकते हो. ठीक है, गूगल सर्टिफिकेशन. फेसबुक के भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, यूट्यूब के भी बहुत सारे चैनल है, वो भी आप कर सकते हो. ये होता है सर्टिफिकेशन जो आप ऐड कर सकते हो. प्रोफाइल का एक और बहुत अच्छा पार्ट होता है एकेडमिक्स. तुम्हें से वर्किंग प्रोफेशनल नहीं, सॉरी, कॉलेज में कौन कौन है जिस टाइप इन कॉलेज सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में, जो कॉलेज के अंदर हो यार, अपने कॉलेज के नंबर बिठा लेना. हाँ, नंबर पक्का बचा लेना. कॉलेज के मार्क्स आपको जिंदगी भर काम आने वाले हैं. जो काफी लोग कॉलेज में, वेरी गुड, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर कैट. वेरी गुड, वेरी गुड. अकेडमिक्स के नंबर बचा लेना. मेरे को आके आर्ग्यू मत करना सर कैट के अंदर आईएम कैलकटा ने तो ग्रेजुएशन के नंबर निकाल दिए. ठीक है बेटा, निकाल दिए, बट बहुत अच्छा होगा अगर आप मेंटेन कर सकते हो 777 या 778. आपको किसी भी कॉलेज में अंदर घुसने में दिक्कत नहीं होगी. और ग्रेड के नंबर इतने इंपॉर्टेंट है, एक एमबीए करने के बाद दूसरा एमबीए करना पड़े या कुछ और करना पड़े, जिंदगी भर आपके फॉर्म के अंदर नंबर ये जाएंगे ही जाएंगे, तो आपको करना ही करना है. बैक्स वगैरह है तो बैक्स वगैरह को क्लियर करना है आपको कैट के पहले. और प्लेज कर लो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, बैक वर्क दोबारा आनी नहीं चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ कमिंग बैक. अच्छा, एक और सर्टिफिकेशन है, किसी ने अभी तक किया है एंगेज 7X किया है? मैंने बताया था काफी बच्चों को, हैव यू गाइस डन, किसी ने किया है एंगेज 7X? किया किसी को बताया क्या? ठीक है, एंगेज 7X क्या है वो भी सुन लो, 30 सेकंड बताता हूँ आपको. एंगेज 7, देवांग ने किया. देवांग हाउ इज इट? आदित्य ने भी किया. यस सर, डन. नमन ने भी किया. हाउ इज इट नमन? हाउ इज इट? वाज इट फन? सर अमेजिंग. यार ये क्या है, एवरीवन हु इज सिटिंग इनसाइड कॉलेज और जिनका वर्क एक्स भी है, आप लोग चेक करो इसको. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एंगेज 7X अकेडमी. सुन लीजिए या बिल्कुल शिवान, सुन लो पहले. हाँ, अगर आपको इसमें वैल्यू लगता है तो करिए. दिस इज सर्टिफिकेशन वेयर यू विल गेट अ स्मॉल बी स्कूल, मिनी एमबी काइंड ऑफ थिंग. देयर इज अनीशा मैम हु इज एन एमबी फ्रॉम नारसिमोंजी, ये आपके साथ 3 दिन लगाएंगे. राधिका सुले मैम एमबी फ्रॉम जमनाल बजाज, एंड ऐश्वर्या मैम एमबी फ्रॉम यूएस, बहुत बढ़िया श्नाइडर इलेक्ट्रिकल कंपनी, वहाँ पर लीडरशिप रोल पे हैं. तेजस सर आई एम इंदौर, ये भी यूएस में, अभी यूएसए पढ़ाते हैं. उत्पल सर डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, एक्सेंचर और जेपी मॉर्गन के बंदे हैं. ये सारे मिलके आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ब्लॉकचेन पढ़ाएंगे, लीडरशिप पढ़ाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाएंगे, डेटा साइंस पढ़ाएंगे, स्ट्रेटजिक ब्रांड मार्केटिंग पढ़ाएंगे. और आई थिंक कुछ कॉस्ट का 10,000 रुपीज़ है, डिस्काउंट वगैरह चेक करना, कुछ 6,000 रुपये प्लस GST वगैरह लगता है. बट 15 डेज यू रेगुलरली स्पेंड विद देम 1 hour a day. सुनो ध्यान से, 15 डेज यू रेगुलरली स्पेंड विद देम एंड यू स्पेंड 1 hour a day. दिल गिव सम होमवर्क, दिल बी लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. नमन कैसी थी एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ करवाई थी उन लोगों ने? जिन लोगों ने किया मुझे फीडबैक बताओ, हाउ इज इट? आई गॉट ग्रेट फीडबैक. देर पीपल फ्रॉम आई एम अहमदाबाद, आफ्टर ज्वाइनिंग आई एम अहमदाबाद ऑल्सो दे कमिंग बैक एंड टेलिंग मी दैट सर ये एंगेज 7X सर्टिफिकेशन बहुत बहुत हेल्पफुल था. ठीक है, ये आप करिएगा. बिल्कुल भावना, बहुत बहुत अच्छा है. 3 दिन में यू गेट एन ओवरव्यू एंड वॉट ब्लॉकचेन इज ऑल अबाउट, असाइनमेंट डन, बहुत बढ़िया. एंड यू स्पेंड टाइम विद देम. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वेन यू टॉकिंग विद द टीचर्स यू कैन स्पेंड टाइम विद देम एंड आस्क देम कि डिजिटल मार्केटिंग में आगे कैसे जाना है. ये करने का एक बहुत बढ़िया फायदा है, यू लर्न 5 great things. अगर तुम मेरे खुद का बच्चा होता ना, मैं तुम्हें एक्सप्लोर करने के लिए बोलता. लाइक सीधा नहीं कूदना अपने को लाइफ में, डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा मैं करूंगा, ब्लॉकचेन बहुत अच्छा मैं. यू स्पेंड विद द लीडर्स, विद द इंडस्ट्री एक्सपर्ट, एनालिटिक्स वो बढ़िया. यस सर, एक्साइटमेंट योर फन. यस सर, मेनी असाइनमेंट्स एंड टास्क वर आल्सो गिवन टू मेक द कंसेप्ट मोर क्लियर. ऐसा एक्टिविटीज आर फुल ऑफ फन एंड एक्साइटमेंट, दैट्स लवली. स्ट्रेटेजिक ब्रांड मार्केटिंग, तो ये पढ़ो पहले, और टॉप लीडर्स के साथ पढ़ो, टॉप एमबीएस के साथ पढ़ो, यू विल गेट अ फ्लेवर ऑफ एमबीए. ये कर लेना चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन है.
आपको 5 सर्टिफिकेशन की लाइन भी मिलेंगी, और इनफैक्ट देखो द स्टूडेंट उसका आई एम काशीपुर या आई एम कोईकोड का पूरा इंटरव्यू इसके ऊपर गया था. इट्स गॉन बी रियली हेल्पफुल. तो ये शाम को रहता है 6 PM to 7:30 PM. वो तुम टाइमिंग वगैरह चेक करना, लिंक मैं आपको दे दूंगा, इसको एक्सप्लोर करो. मेरा रिकमेंडेशन रहेगा करना चाहिए. ठीक है भाई, डन है, समझ आ गया. ओके, ये लिंक है, आप खुद देख सकते हो. ठीक है, ये देखो विघ्नेश आई एम शर्मूर है, CABA सब कर रहे हैं. चलिए वापस आते हैं. तो भाई मूविंग फॉरवर्ड, तो क्या 2023 की अपन 3 की अपन तैयारी तो कर रहे हैं, तो मुझे प्रोफाइल बनाना भी बहुत बहुत जरूरी है. अनिशा मैम ओपी, बहुत बढ़िया. तो इसको लेके आगे बढ़िएगा. आगे लेट्स बिगिन. 3 मंथ्स में आप लोग बैठ के, कमिंग बैक टू कैट प्रिपरेशन, प्रोफाइल बनाना बहुत जरूरी है. पहले 3 मंथ्स के अंदर वैदिक मैथ्स का गॉड बन जाना है आपको, और अर्थमेटिक कंट्रोल में लेके आना है. आगे देखते हैं. प्रैक्टिस डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कभी बार ग्राफ कर लिया, कभी पाई चार्ट कर लिया, हर तरह के डेटा इंटरप्रिटेशन के चार्ट जो आपको करवाए जाएंगे, हर तरह के LR चार्ट जो आपको करवाए जाएंगे, वो आपको सेट करने हैं. आगे चलते हैं. ये पहले 3 मंथ्स आपने कवर कर लिए. अगले जो 3 मंथ्स होंगे उसके अंदर अपने को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है. वो कैसे लेके जाना है? RCs, पैराजम्बल, पैरासमरी, ईओन तो पढ़ना ही पढ़ना है. ईओन अभी भी शुरू करना है और आगे बढ़ना है. ठीक है, आगे देखते हैं. अर्थमेटिक, नंबर, एलजेब्रा, सब बेसिक्स. फिर LRDA की केसेस को प्रैक्टिस करेंगे और कंटिन्यू करना है प्रोफाइल बिल्डिंग. प्रोफाइल बिल्डिंग मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 सर्टिफिकेशन एवरी वीक करते रहिए. नेक्स्ट वन, ये बहुत दूर है, पर 6 महीने पहले अपन सीरियस हो जाएंगे जिंदगी के अंदर. अभी तो मेरा बहुत ही प्यारा वाला रूप देख रहे हो. अभी क्या 2022 वालों की लगाई जा रही है, उनको एक्शन दिए जाते हैं, उनको वीकली होमवर्क दिया जाता है. तो इसलिए स्टार्टिंग में प्रिपरेशन चिल रहना है. यहाँ पे मॉक्स आने शुरू हो जाएंगे, मॉक्स में नंबर आएंगे नहीं आएंगे, बहुत कुछ होगा. करियर ग्राफ तुम्हारा ऊपर नीचे होगा, मॉक्स में कभी एकदम ऊपर कभी एकदम नीचे, रैंक आएंगे. अभी नया एनालिटिक्स डैशबोर्ड आया कैट किंग का, बहुत बढ़िया है. तो यहाँ पे आप लोगों को सेक्शन टेस्ट स्टार्ट करना है. तो पहले अपने को प्रिपरेशन करना है, 6 महीने पूरा प्रिपेयर करना है. फॉलोड बाय दैट विल मूव टुवर्ड्स सेक्शनल टेस्ट. सेक्शनल टेस्ट मतलब छोटे छोटे सेक्शंस. उसके बाद अपन करेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट. मुझे स्पैम मत करो बेटा, बैन हो जाओगे. उसके बाद हम करेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट. व्हाट अ टॉपिक वाइज टेस्ट? जो टॉपिक पढ़ लिया उसका जाके टेस्ट भी दे सकते हो. एंड इट विल बी कंप्लीटली स्क्रीन रीडिंग. कंप्लीटली स्क्रीन रीडिंग. जिन लोगों को अभी भी आदत है खुद पढ़ने का, जब कैट किंग फैमिली आप ज्वाइन करते हो, आपको हम कोई किताब नहीं देंगे, एंड तक नहीं देंगे. अगर आपका फिर भी हार्ड कॉपी लेके, प्रिंटआउट लेके दिल करता है, उस आदत को बंद करना है 6 महीने पहले, बिकॉज एग्जाम हमारा ऑनलाइन है. एक और बात, जिन लोगों को अभी से सेक्शन टेस्ट देने का दिल कर रहा है, आप लोग सेक्शन टेस्ट और टॉपिक टेस्ट भी दे सकते हो फॉर श्योर. धीरे धीरे कैट किंग डैशबोर्ड बहुत अच्छा चल रहा है और बढ़ाते जा रहे हैं, उसके अंदर और भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी. क्विक 5 सेकंड चेक, ऑल गुड यस और नो? क्विक 5 सेकंड चेक, ऑल गुड यस और नो? ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया. लास्ट थिंग, ये एक ब्रह्मास्त्र है, वो सुन लीजिए. रोज का एक LR पजल रोज करिएगा. एक LR पजल रोज करेंगे, एक DI का सेट रोज करेंगे, सिर्फ एक. और एक RC रोज करेंगे. 1 RC 1 DI 1 LR सेट रोज करेंगे. इसके साथ, ये करने के साथ साथ, अगर आप 30 मिनट्स ONSS भी पढ़ सकते हो रोज का, ये जिस बंदे ने 3 महीने के लिए कर लिया, और साथ में 20 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन ऑफ क्वांट, जो टॉपिक चल रहा है, चाहे वीडियो देख देख के सॉल्व करो बेसिक समझ आने के बाद, चाहे आप ई बुक सॉल्व करो, कहीं से भी करो, ये आपको अगर रोज़ का रिदम बन सकता है ना, तू जैसा भी इंसान है, तू पक्का IIM क्रैक करेगा, पक्का FMS क्रैक करेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ. और ये ज़्यादा मत कर, ये 3 महीने के लिए कर मेरी जान, 3 महीने के लिए. ONSS विल टेक 30 मिनट्स. 1 LR का सॉल्व स्टार्टिंग में तुम्हें 15 मिनट लग जाएंगे. 1 DI का सॉल्व स्टार्टिंग में तुम्हें 15 मिनट लग जाएंगे. इसमें 15 मिनट लग जाएंगे, ये तुम्हारा 45 मिनट्स का अप्रॉक्सीमेटली टाइम हो गया, है ना भाई? 45 मिनट्स ये हो गया, आधे घंटे का टाइम ये हो गया, और साथ में अगर 20 सवाल और करने हैं स्टार्टिंग में, तो ऑल्टरनेटिवली कर ले, ठीक है? ये तेरा अप्रॉक्सीमेटली 1.25 घंटा रोज हो गया, ठीक है? 1 hour 15 minutes रोज हो गया. अगले दिन कर ले यार, मत कर. एक दिन में अपन LRDA RC रोज टच कर रहे हैं. अपन बैठ के यहाँ पे 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. वो कौन से 20 क्वेश्चन हो गए? क्वांट की. अगले दिन कर ले ऑल्टरनेटिवली. इसको भी तो 1.25 घंटा लगा गया. तो 1.25 घंटा अगर आप रोज पढ़ सकते हो, तुम्हारा बेड़ा पार होगा. डन है भाई एवरीवन? 1 hour 15 minutes प्रिपरेशन प्लान फॉर योर कैट जर्नी. ऑल गुड यस और नो? यस और नो? ऑल गुड यस 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 यस. डन है भाई. चलो भाई मेहनत करेंगे, और बस मेहनत करो, सक्सेस से वेट. और इस बार हमारे 2000+ स्टूडेंट्स हैं जो कि IIMs के अंदर जा रहे हैं, तुम्हारा भी नाम वहाँ पे होगा, ठीक है? मेहनत करनी है. यस सर. ऑल राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया. RC मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन.